दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को रविवार को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब बीसीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.bcci.tv ऑफलाइन हो गई। रविवार सुबह ऑफलाइन हुई वेबसाइट करीब 18 घंटे तक सस्पेंड रही, जिसकी वजह ये सामने आई है कि बीसीसीआई अपनी वेबसाइट के डोमेन को रेन्यू नहीं करा सका। बीसीसीआई ने इस वेबसाइट को 2 फरवरी 2006 को रजिस्टर कराया था और इसका लाइसेंस 2 फरवरी 2019 तक वैलिड था, लेकिन अपडेशन डेट 3 फरवरी 2018 थी। डोमेन रेन्यू नहीं होने पर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन कराने वाली registrar.com और namezet.com ने इस डोमेन की नीलामी शुरू कर दी है और इस पर 7 बोली मिली, जिसमें से सबसे बड़ी बोली $270 लगी। बीसीसीआई की वेबसाइट हर कैटेगरी के मैचों के लाइव स्कोर के लिए अहम स्रोत है। ये काफी शर्मनाक भी है कि वेबसाइट उस समय ऑफलाइन हुई जब टीम इंडिया सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच खेल रही थी। यह हालात तब हैं जब सितंबर में बीसीसीआई ने स्टार स्पोर्ट्स को $2.55 मिलियन में मीडिया राइट्स बेचे थे। इसके अलावा बोर्ड को ICC की तरफ से भी कम से कम $405 मिलियन रेवेन्यू मिला था। संगीता सिंह, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।